नमस्कार। ऊर्जा और युद्ध का कारक मंगल ग्रह आम तौर पर एक राशि में 45 डेज रहता है, पर 20th अक्टूबर से जब वह राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में जाएंगे, उसके बाद वापस 7 दिसंबर को वह वक्री होकर कर्क राशि में रहेंगे और उसके कारण ओवरऑल 90 डेज तक वह कर्क राशि में रहेंगे। सो अक्टूबर 20, 2025 से लेकर जनवरी 21, 2025 तक मंगल कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में मंगल का यह परिभ्रमण पूरे विश्व के ऊपर एवं हमारी सभी 12 राशियों के ऊपर क्या परिणाम देंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होता है, और उसके कारण वह और ज़्यादा खराब होकर या वीक होकर अपने कारकत्व को प्रकट करता है। और मंगल के कारकत्व को दर्शाते हुए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है, चोर मलेच्छ कृशानु युद्ध भूवि दिक् याम्या कुजस्योदिता। इस सूत्र को डिकोड करके समझते हैं तो इस समय के दौरान साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर काफ़ी चहल पहल होगी। किसी टेक जायंट या किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली बड़ी कंपनीज़ को हैक किया जाएगा और उसके कारण कई ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड वाइड स्टॉप हो जाएंगे या नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। गल्फ कंट्रीज़ में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसराइल ने लेबेनान पर अटैक करके हिजबुल्ला के लीडर्स को जिस तरह से मारा है, यह पूरी वॉर और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। इसराइल को इस समय के दौरान चारों तरफ से अटैक किया जाएगा। एक तरह से ये युद्ध जो है वह और ज़्यादा इंटेंस होकर नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी ज़्यादा नेगेटिविटी आती दिख रही है। वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ अभी वॉर लाइक सिचुएशन या विवाद चल रहा है, वहाँ चीज़ें और ज़्यादा विस्फोटक होगी ऐसा दिख रहा है। ड्यू टू दिस रीज़न इकोनॉमिकल वॉलेटिलिटी रहेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड सिल्वर और प्रेशियस मेटल की ओर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। और क्योंकि कर्क राशि एक तरह से नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और यदि उसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाए तो वह विप्र वर्ण को रिप्रेजेंट करती है। गोल्ड और सिल्वर में नई हाइट्स आती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने बताया, कर्क राशि जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इंटरनेशनल वाटर में बड़ी चहल पहल होती हुई दिखेगी। वॉर शिप्स की मूवमेंट ज़्यादा तेज होगी। ओवरऑल ये समय जो है वह समय कुछ इस तरह का होगा कि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में असमर्थ होंगे। छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव हो जाना, प्रोटेस्ट करना, सड़कों पर आ जाना एवं डे टू डे लाइफ की चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना, ये सब इवेंट्स वर्ल्ड वाइड होती हुई हम देखेंगे। हमें चाहिए कि इस समय में हमें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए और फाइनेंशियल मैटर्स में लॉन्ग टर्म को सोच के ही डिसीजंस लेने चाहिए। स्टॉक मार्केट से जो वैसे ही स्टॉक मार्केट में एंटर हो गए हैं या जिन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की है, उस तरह के लोगों को स्टॉक मार्केट से इस समय के दौरान दूरी बना के रखनी चाहिए, इसी में समझदारी है। आइए अब आखिर में हमारी जो 12 राशियां है उनको कौन कौन से एरियाज में ध्यान देना चाहिए, किस तरह की अटेंटिवनेस सतर्कता उनको रखनी चाहिए ताकि यह पूरा समय जो है वह स्मूथली वो नेविगेट कर पाए, उसके बारे में भी संक्षिप्त में बात करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि की बात करते हैं। उनको अपने होम और वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट करना होगा।
अपने एग्रेसिव अप्रोच को साइड में रखकर नर्चरिंग अप्रोच यदि वो रखेंगे तो उनसे उनको लाभ होगा। डोमेस्टिक इश्यूज़ को यदि उन्होंने सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया तो बड़े ही मूल्यवान जो उनके रिश्ते हैं वह ख़त्म हो जाएंगे। कैरियर ग्रोथ तो बहुत अच्छा रहेगा। मदर की हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल उनको चाहिए कि ये समय उनको सतर्कता रख के और अपनी इमोशनल लाइफ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होकर उनको व्यतीत करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बोलने से पहले दो दफे सोचना होगा। उनके बोलने के कारण उनको ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी हो और इमोशनल नुकसान भी हो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। मिसकम्युनिकेशन के प्रबल योग उनके साथ होंगे। सिबलिंग्स के साथ उनके संबंध खराब हो सकते हैं। हालांकि साहस करने से उनको लाभ होगा, ट्रैवलिंग से भी उनको लाभ होगा और जिन जिन बातों से उनको डर लग रहा है यदि उस तरह की एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व हो गए तो यह समय उनको बड़ा ही लाभप्रद रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को चाहिए कि उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के प्रति वह ध्यान दें। यह समय फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन देने वाला रहेगा। आर्थिक प्रयास करने के लिए उनको सतर्क रहना होगा। जितना वो एफर्ट्स डालेंगे उससे कम रिजल्ट मिलेगा। खर्च उनको काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए। यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया तो उनको लाभ होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने गए तो उनको नुकसान होगा। रियल एस्टेट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने से उनको लाभ होगा। दे शुड अवॉइड गैम्बलिंग। यदि गैम्बलिंग में गए तो उनको बड़ा भारी नुकसान होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशि वालों को ये समय क्या करें या क्या ना करें उस तरह की डिलेमा देने वाला रहेगा। लॉट्स ऑफ इमोशन क्रिएट होगी साइमल्टेनियसली। कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। ऊर्जा का संचार तो बहुत होगा बट उनको डिज़ायर आउटकम न मिलने के कारण एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी बनेगा। दे शुड नॉट बी ओवर इंडलजेंस में नहीं जाना चाहिए और इनको ओवर इमोशनल बन के रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। यदि वो सोच समझ कर कर्म करेंगे, रैशनल होकर कर्म करेंगे तो यह समय उनको लाभ देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। यह समय उनको कॉशियस रहने का समय है। दे शुड नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। खर्च के ऊपर उनको काबू रखना होगा, सेविंग्स को संभाल के रखना होगा और उनके जो हिडन एनिमीज है उनसे नुकसान होने के उनके प्रबल योग है। तो कोई भी लूज एंड्स उनको नहीं रखने चाहिए। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज इस समय के दौरान सरफेस पर आएंगे और हेल्थ में भी नुकसान हो उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। सोशल डायनेमिक्स उनके चेंज होंगे, हेल्पफुल पीपल एंटर होंगे लाइफ में और वैसे लोग जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं हैं उनकी एग्जिट होगी। कैरियर में ग्रोथ मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा। हालांकि सैलरी में जितना उछाल चाहिए था उतना न मिलने के कारण एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन भी बना रहेगा। यदि आप बिजनेस में हो तो प्रॉफिट अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों को उनके कैरियर के प्रति फोकस होना होगा। रिकॉग्निशन उनको सुनिश्चित मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, व्यावसायिक लाभ भी होगा। एक फैमिली गैदरिंग के कारण नए सोशल डायनेमिक्स होते हुए दिख रहे हैं। यदि लंबे समय से वो चाह रहे थे कि उनके जीवन में लव्ड वन की एंट्री हो तो इस समय के दौरान शायद उनको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सतर्क रहना होगा। ट्रैवलिंग उनको सुख देगी, धार्मिक यात्रा होती हुई दिख रही है, फैमिली गैदरिंग से भी उनको सुख होगा। विकास के लिए नई नई चीज़ें उनके प्रति आएगी
और यदि उन्होंने अच्छी तरह से इस समय का उपयोग किया तो इस समय के दौरान उनको जिस तरह का लाभ चाहिए उस तरह की इवेंट्स क्रिएट होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनुराशि। धनुराशि वालों को चाहिए कि थोड़ा संभल कर, थोड़ा पॉज लेकर, थोड़ा सोच समझ कर कर्म करें। यह समय उनको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर करेगा। यदि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑन हैंड ले ली तो शायद किसी भी चीज़ को वह जस्टिफाई ना कर पाए। माइनर हेल्थ समस्या होगी। फैमिली में अच्छे प्रसंग तो होंगे लेकिन किसी के बोलने के कारण मन दुख होने की भी संभावना है। आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से उनको बचना चाहिए, लालच से भी उनको बचना चाहिए। और यदि उन्होंने अपनी इमोशनल रिएक्शन के ऊपर चेक रखा तो यह समय उनको लाभप्रद रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि को अपने रिलेशनशिप के प्रति कॉशियस रहना होगा। वो लोगों को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, अन्यथा जीवन में एक तरह की लोनलीनेस आएगी। लव लाइफ और पार्टनर्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ मतभेद हो उस तरह के ग्रह योग है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम पहले से चल रहा है तो उनको चाहिए कि ऑन द टेबल आमने सामने बैठकर बातें कर ले, अन्यथा बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज उनके लिए की है। उनको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पार्टनरशिप के लिए ये समय अति अशुभ रहने वाला है। यदि ये कॉशियस रहे और अपनी इमोशनल रिलेशनशिप को उन्होंने संभाल दिया तो यह समय उनको सुख देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए समय एवरेज टू गुड रहेगा। हेल्थ में सुधार होगा। वर्क प्लेस में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। शायद बिजनेस में कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज आए और यदि उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने कैपिटलाइज किया तो उनको लाभ भी होगा। हमारी सलाह है कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर आपका फोकस यदि चला भी जाए तो उसको इग्नोर करके बड़ी बातों के बारे में आपको सोचना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आपने अपनी क्रिएटिविटी को, अपने रचनात्मक अभिगम का उपयोग करके कोई भी काम किया तो वो काम आपको सक्सेस देगा। रूटीन काम के लिए यह समय एवरेज रहेगा लेकिन नई चीज़ों के लिए, क्रिएटिविटी के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान से भी लाभ होने की संभावना है। एजुकेशन लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। ओवरऑल इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। अंत में याद रहे, मंगल ऊर्जा और एग्रेशन का कारक है और उसका इमोशनल राशि कर्क में ट्रांजिट हमें ये सूचित कर रहा है कि हमें हमारे एग्रेसिव इमोशनल बिहेवियर के प्रति अलर्ट रहना है। यदि हम कॉशियस रहे और हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल में रख के इमोशनल रहे तो भले ही मंगल कर्क राशि में नीच का हो रहा है फिर भी यह समय हमारे जीवन में सुख और शांति को लाएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।